हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में एक मल्टीनेशनल बायो कंपनी एक गोल्फ ग्राउंड में फर्टिलाइजर का सप्लाई करते हुए देखते हैं, ताकि बर्फ में जमीन घास से हरी भरी रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आइलैंड के एक कम्युनिटी के सिक्योरिटी गार्ड डैन को देखते हैं, जो टाउन के चक्कर लगा रहा होता है। तभी एक लड़का एंड्रयू साइकिल पर फोन यूज करते हुए गाड़ी के आगे आने लगता है। उसका एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन वो बच जाता है। अब डैन एंड्रयू को समझाने के लिए जाता है, लेकिन एंड्रयू उसकी बात नहीं सुनता। अब अगले सीन में हम एंड्रयू को घर पर देखते हैं। उसकी माँ अभी तक घर नहीं आई होती है और उसकी बहन एनी की बेबीसिटर कैमिला उसे एनी का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने घर पे चली जाती है। वही दूसरी तरफ डैन अपनी बेटी पेट्रिशिया को कॉल करके अपने साथ डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि वो बिजी है। इसीलिए डैन घर आकर अकेले ही खाना खा लेता है। इसके बाद वो फायर प्लेस में आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो नहीं जलती। फिर वो बुलेट के बारूद से आग जलाता है, जिसे छोटा सा ब्लास्ट होता है। तो वही दूसरी तरफ एंड्रे अपनी छोटी बहन एना को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी माँ घर आ जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह पेट्रिशिया भी घर आकर देखती है कि उसके पिता डैन की आईब्रो जली हुई है और उसे हंसी आ जाती है। अब अगली सुबह पेट्रिशिया अपने पिता यानी डैन से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है। तो वही दूसरी जगह पे एनी की बेबी सिटर ना आने के कारण उसकी माँ एंड्रयू को ही अपनी छोटी बहन को संभालने के लिए कहकर खुद ऑफिस चली जाती है। फिर हम टाउन के सबसे अमीर आदमी माइकल को देखते हैं, जिसके पास मार्सल और उसकी बीवी मॉड अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने के लिए चला जाता है, जिनके साथ पेट्रिशिया भी थी, जो कि यहीं पे काम करती थी। अब डैन उसे कॉल लगाता है, मगर वो उठाती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड में मौजूद फर्टिलाइजर नीचे पाइप में चला गया है और वहां से लोगों के पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है। फिर एक आदमी उस पानी को पी लेता है और उसके बाद जब वो ग्रोसरी स्टोर पर जाता है तो उसकी हालत अचानक से खराब होने लगती है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और देखता है कि उसके दांत हरे हो गए, यानी ग्रीन कलर के, और धीरे धीरे उसका म्यूटेशन होने लगता है और वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और सबसे पहले अपने गर्लफ्रेंड को ही बहुत बुरी तरीके से काट देता है। थोड़ी देर के बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। यहाँ पे अगले सीन में माइकल माउड और मार्सल के साथ घर पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पे सब लोग अंदर से निकल कर भाग रहे हैं। तभी माउड का जो डॉग रहता है वो आकर उसे काट लेता है, जिसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर बाकी इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ आने लगते हैं, तो माइकल और मार्सल भागकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका डॉग भी घर के अंदर आ जाता है और मार्सल के पाव पर काट लेता है और उसे ज़ॉम्बी बनता दे एक माइकल एक रूम में छुप जाता है। उधर डैन एक औरत के पास आता है, जिसने उसे अपने पड़ोसी को चेक करने के लिए बुलाया होता है। डैन देखता है कि वो लोग अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और तभी वो औरत भी कुछ पीने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है और डैन पर अटैक करने के लिए आती है, मगर वो बचकर गाड़ी में बैठ जाता है और ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो अपनी बेटी पेट्रिशिया को कॉल करता है, लेकिन वो भी फोन नहीं उठाती, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक रूम में फंसी हुई थी। तो डैन उसके लिए मैसेज छोड़ देता है। यहाँ पे हम एंड्रयू के घर में देखते हैं, जहाँ पे एंड्रयू की माँ भी अभी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो भी इनके ऊपर अटैक करने आई थी। एंड्रयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर कर घर से बाहर भाग जाता है। पीछे भागते हुए उसकी माँ डैन की गाड़ी से टकरा कर गिर जाती है और रेंगते हुए एंड्रयू की तरफ बढ़ने लगती है। एंड्रयू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगता है, तब भी डैन आके उसे रोक देता और कहता है कि घर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लो, लेकिन एंड्रयू यहाँ पर भी उसकी बात नहीं मानता और अपने माँ को वो घर के अंदर लेके जाने लगता है और इन्फेक्टेड लोग भी उसी की तरफ भागकर आ रहे होते हैं, मगर एंड्रयू उनसे पहले ही घर के अंदर पहुंच जाता है और अपने माँ को बाथरूम में बंद कर देता है। बाहर इन्फेक्टेड लोग उसके घर का दरवाजा बहुत जोरों जोरों से पीटने लगते हैं। तभी वो 911 पे कॉल करता है, लेकिन उसे वहां से मैसेज मिलता है कि इनके शहर को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। यहाँ पे हम पेट्रिशिया को देखते हैं, जो भागकर एक स्टोर में छुपी हुई थी और वो तुरंत अपने पिता डैन को कॉल करके सारी सिचुएशन समझाती है। तभी डैन उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब डैन के वहां पे पहुंचने पर बाकी सारे इन्फेक्टेड लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, मगर डैन किसी तरह बचकर पेट्रिशिया के पास पहुंच जाता है। वही दूसरी जगह पे इस आइलैंड को शहर से जोड़ने वाला जो ब्रिज रहता है वो ब्लास्ट कर दिया जाता है, ताकि इन्फेक्टेड लोग शहर तक ना पहुंचे, और इसी दरमियान आइलैंड की लाइट्स भी चली जाती है। अब यहाँ पे अगली सुबह हम वही एंड्रयू अपनी माँ को खाने के लिए
लिए कुछ खाना देता है। तो एनी भी उसके पीछे बाथरूम में आ जाती है और तभी उसकी माँ एनी पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर एंड्रू अपने माँ को बाथरूम से बाहर लेके आता है। वहाँ पे वो लिविंग रूम में आती है, लेकिन तभी वहाँ पे रखा हुआ जो टीवी रहता है वो उसके ऊपर गिर जाता है और कांच जाने के कारण वो मारी जाती है। एंड्रू को ये देख बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो घर के बाहर कितने ज़ॉम्बी है ये देखने जाता है और अपने बिल्ली को दरवाजे के सामने बिठा देता है और वो खुद एनी को लेकर दरवाजा खोल के एक जगह पे छुप जाता है। अब दरवाजा खुलता हुआ देख सारे ज़ॉम्बी बिल्ली के पीछे भागने लगते हैं और यही मौका देख एंड्रू घर के बाहर निकल आता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं, भागते हुए वो एक स्टोर के यहाँ पे आके छुप जाता है, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। लेकिन इसी स्टोर में डैन रहता है जो स्टोर रूम का दरवाजा खोल कर उसे अंदर खींच लेता है। अब अंदर आकर वो डैन से इस आइलैंड से बाहर जाने का प्लान पूछता है। तभी डैन कहता है कि यहाँ पे ब्रिज तोड़ दिया गया है और पानी बहुत ही ठंड है, हम तैर के नहीं जा सकते और जितने भी बोट्स है वो स्टोरेज रूम में है। लेकिन तभी एंड्रू की नजर वहाँ पे पेट्रिशिया पर जाती है जो कि असल में ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी डैन बताता है कि ये मेरी बेटी है और जल्दी वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी जगह माइकल उस बायोटेक कंपनी को कॉल करके उन्हें कहने लगता है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो कंपनी के लोग कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्लीनअप जल्दी शुरू होगा और यहाँ पे एक्सपर्ट भी पहुँचने वाले हैं जो सारे डैमेज को ठीक कर देंगे। तो वही दूसरी तरफ डैन रेडियो पर आरजे पैट्रिक को सुन रहा होता है जिसे सब लोग कॉल करके वायरस के बारे में बता रहे होते हैं और डिस्कशन चल रहा होता है। तभी उसे सिक्योरिटी मिनिस्टर का भी कॉल आता है जो बताते हैं कि हम आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तभी डैन उस आरजे को कॉल करके कहता है कि मैं आइलैंड से बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे जैसे काफी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वो कहता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह वायरस भी दूसरी जगहों पर फैल सकता है। ये सुनकर डैन को काफी गुस्सा और कॉल काट देता है। एंड्रू से कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये वायरस कैसे फैला है और अगर तुम्हारी बेटी पेट्रिशिया को ठीक करना है तो हमें वैक्सीन भी बनानी होगी। तो डैन कहता है ये पानी से फैला होगा क्योंकि वही एक चीज है जो सबको एक साथ इन्फेक्ट कर सकती है। एंड्रू कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया था। यहाँ पे डैन को लग रहा था ये काम जरूर किसी टेररिस्ट पार्टी का हो सकता है। अब यहाँ पे अगली सुबह डैन सबको लेकर स्टोर से बाहर निकलता है और उसने पेट्रिशिया का फेस कवर कर लिया होता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं मगर वे लोग बचकर गाड़ी में निकल जाते हैं। एंड्रू डैन से मोबाइल चार्जर का पूछता है तो वो उसे अपना फोन दे देता है। वही कैमिला पेट्रिशिया को कॉल करके कहती है। तो वही हम कैमिला को देखते हैं जो कि एंड्रू के घर पे काम करने वाली बेबीसिटर थी। कैमिला रेडियो पर पैट्रिक को कॉल करके कहती है कि हमें आइलैंड पे मौजूद अनइंफेक्टेड लोगों को बचाना चाहिए, मगर वो भी वायरस फैलने का खतरा बताकर मना करता है। दूसरी तरफ माइकल के पास बायोटेक कंपनी के दो लड़के आती हैं। यहाँ पे माइकल के कारण ही वायरस फैला होता है क्योंकि उसने वो फर्टिलाइजर पूरे घास पे डाल दिया था जो बर्फ में भी हरी भरी रह सकती थी। वो उन्हें कहता है कि मैंने फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें खत्म कर दिया है, तुम लोग बाकी फर्टिलाइजर को भी डिस्ट्रॉय कर दो ताकि इसके सारे सबूत मिट जाएंगे। इसके बाद वे दोनों भी माइकल को एंटीडोट दिखाते हैं जिसे माइकल चेक ही कर रहा होता है। तभी अचानक से वो दोनों भी उसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती वो फर्टिलाइजर उसे खिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वहां से उसे लेके जाती है। माइकल के हाथ से एंटीडोट का बॉल भी छूट जाता है। वही दूसरी तरफ डैन वाटर सप्लाई वाली जगह पे पहुंच जाता है और वे लोग एनी को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे पेट्रिशिया भी भागकर पानी के टैंक में कूद जाती है। उसको निकालने के लिए डैन भी अंदर चला जाता है तो वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी होता है जो पेट्रिशिया के कारण डैन को कुछ भी नहीं करता मगर एंड्रू पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तो वही डैन पेट्रिशिया को बाहर निकालने लगता है लेकिन तभी उसका हाथ निकल कर डैन के हाथ में आ जाता है। उधर एंड्रू ज़ॉम्बी से बचकर गाड़ी में बैठ जाता है। डैन भी पेट्रिशिया को लेकर आ जाता है। ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करते। अब एंड्रू पेट्रिशिया का फोन लेकर उसके टूटे हुए हाथ से अनलॉक करता है। डैन पेट्रिशिया की हालत देख बहुत ही ज्यादा परेशान और घबरा जाता है। एंड्री उसका हाथ देखकर कहता है यहाँ पर घास उग रही है। ये देखकर डैन समझ जाता है कि ये वायरस माइकल के उस घास की वजह से फैला हुआ है। तो वो माइकल के घर जाने लगता है। उधर जो दो लड़कियां होती है वो गोल्फ कोर्स में आकर एंटीडोट डालकर इन्फेक्शन खत्म कर देती है।
जहाँ पे डैन माइकल के घर पे पहुँच कर दरवाजा नॉक करता है मगर कोई भी नहीं खोलता। तो पीछे के रास्ते वो अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है और बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। डैन पेट्रिशिया को किचन में बंद कर देता है और एंड्रू एनी को एक जगह पर छुपा देता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो और डैन मिलकर क्योर ढूंढने लगते हैं तो उन्हें एक जगह पे माउंट का वो डॉग मिलता है जो पूरी तरीके से घास में बदल चुका था मगर फिर भी वो सांस ले रहा था। तभी एनी के रोने की आवाज उन्हें आती है तो एंड्रू उसके पास जाता है मगर एनी वहाँ नहीं होती। वो क्राउल करते हुए लिविंग रूम तक पहुँच गई थी। तो वही दूसरी जगह पे डैन को एक टाइम बॉम्ब नजर आता है जिसे उन लड़कियों ने ही लगाया होता है ताकि सारे एविडेंस तबाह हो जाए। डैन भी किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है मगर जॉम्बी बनने से पहले वो बॉम्ब को बंद कर देता है लेकिन इसके बारे में उन लड़कियों को पता चल जाता है। यहाँ पे एंड्रू एनी को ढूंढ रहा होता है। उधर वो लड़कियाँ चेक करने के लिए माइकल के घर में आती है और एनी को देखकर उसे फर्टिलाइजर खिला देती है और एंड्रू की आवाज सुनकर छुप जाती है। वो एनी को उठाकर जाने लगता है तो लड़कियाँ उसे घेर लेती है और उसे भी पकड़कर फर्टिलाइजर खिलाने वाली होती है कि तभी एनी एक को काट लेती है क्योंकि वो भी अभी जॉम्बी बन चुकी थी। फिर डैन जॉम्बी बनकर वहाँ आता है और दूसरे लड़की पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर गिरी हुई एंटीडोर का बॉल एंड्रू के पाँव के नीचे आकर टूट जाता है। एंटीडोर की हवा डैन और एनी के शरीर में पहुँच जाती है। अब उन लड़कियों को काट कर डैन एंड्रू के पीछे भागने लगता है और उसे काटने वाला होता है लेकिन एनी भी जॉम्बी थी इसीलिए डैन पीछे हट जाता है। उधर वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझ कर शूट कर देती है और मारी जाती है। यहाँ पे एंड्रू पेट्रिशिया का फोन ढूंढ कर अपनी और एनी की वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल के मदद के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करता है जिसे कमिला भी देखती है। दूसरी तरफ पैट्रिक मिनिस्टर से बात करके कहता है कि सारे इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देना चाहिए और फिर आर्मी आइलैंड पर जाकर सबको मारने लगती है। एंड्रू बाहर निकलता है मगर सबको मरता देख छुप जाता है। यहाँ पे एनी और डैन पर एंटीडोट का असर हो गया था इसीलिए वो नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पे आर्मी के लोग डैन के पास पहुँचते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो उसे जलाकर मार देते हैं। यहाँ पे एंड्रू एनी के साथ समुन्द्र तक पहुँच जाता है। वहाँ पे कमिला बोट लेकर आती है और उन्हें अपने साथ लेके जाती है। एंड्रू पेट्रिशिया का हाथ पानी में फेंक देता है जो वो फोन खोलने के लिए यूज कर रहा था और उस हाथ को एक मछली खाकर इन्फेक्टेड हो जाती है। इससे हमें समझ आता है कि अब ये वायरस शहर तक पहुंच जाएगा और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। बाय बाय।